वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट. सो टिल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस. नाउ टुडे वी विल स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योर. ओके, अब अभी तक हमने देखा था कि क्या होते हैं, क्वालिटीज़ क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ. अब हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे विच आर गिवन बाय योर हेनरी फ्योर. हेनरी फ्योर वॉज अ पर्सन, ठीक है, मतलब जिनने ये 14 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं. सिंपली ही वॉज बॉर्न इन 1841 एंड ही इज़ वेल नोन द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. ठीक है, दैट इज सिंपली ब्रीफ इंट्रो अबाउट हेनरी फ्योर. नाउ कम्स टू द फ्योर्स प्रिंसिपल्स. ठीक है, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योर एंड दीज प्रिंसिपल्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट इज योर डिविज़न ऑफ वर्क. मीन्स योर जो पहला प्रिंसिपल है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ डिविज़न ऑफ वर्क है. जो आपके फ्योर ने फ्योर सेज दैट कि जो वर्क है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, जो काम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए. छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए हर एक काम के. एंड उस डिपार्टमेंट में जो हम एक एम्प्लॉय रख रहे हैं, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय रख जाए तो वो उसकी एबिलिटी स्किल्स नॉलेज के अकॉर्डिंग रखना चाहिए. ठीक है, जैसे स्कूल्स में भी होता है, क्लैरिकल को क्लैरिकल की ही जॉब मिलती है, वो टीचिंग नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसका क्या है, स्किल्स एबिलिटी नॉलेज जो है सब वो क्लैरिकल के उसमें. तो ये फ्योर ने बोला है कि जो वर्क होनी चाहिए वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपके डिवाइड होनी चाहिए. सेकंड आता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर, मतलब कि जैसे प्रिंसिपल मैम के हाथ में पावर होती है ना, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने की, दैट इज़ पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हें पावर दी गई है तुम उसको प्रॉपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो प्रिंस जो हेनरी फ्योर थे उनने ये प्रिंसिपल फॉलो करा, मतलब कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होगी तो प्रॉपर क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा. ठीक है, पावर पूरी है लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो यूज़लेस हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है बट पावर कुछ, आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, तो वो भी आपका यूज़लेस है. मतलब कि जितनी अथॉरिटी है उतनी ही क्या होनी चाहिए, उसको कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिन. डिसिप्लिन सिंपली मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए. ये नहीं कि जो टॉप लेवल में है मैनेजर्स उनके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है और जो बॉटम लेवल में उनके लिए. डिसिप्लिन फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इक्वल. ठीक है, इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली दैट मीन्स योर द कमांड विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन बाय वन पर्सन. दैट्स मीन कि जो भी आपको क्या एक एम्प्लॉय को कुछ भी कमांड या कुछ भी काम दिया जाता है वो सिर्फ एक ही बॉस से मिले. क्यों? अगर क्या होता है, सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे 2-3 बॉसों ने काम करने के लिए कुछ काम दे दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न अराइज होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, तो क्या होगा, काम प्रॉपर से नहीं हो पाएगा. तो दैट मीन्स योर जो कमांड है दैट विल बी कम फ्रॉम योर वन बॉस ओनली, वो एक ही से आने चाहिए. सेकेंड इज योर नेक्स्ट सॉरी फिफ्थ इज योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो काम कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए. अगर प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट में काम हो रहा है तो डायरेक्शन मीन्स योर कि सब प्रोडक्शन का ही तरफ को जाएंगे, किसी को अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में. दैट इज़ योर डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन अच्छे होंगे तो काम भी आपका इजीली हो जाएगा. फिर आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, सबॉर्डिनेशन मतलब मिलना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल मीन योर एम्प्लॉय, ओके, टू जनरल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट मीन योर ऑर्गेनाइजेशन मोटिव. ठीक है, मतलब कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, उनके बीच में क्या होना चाहिए, आपका सबॉर्डिनेशन प्रॉपर, मतलब एक मैच होना चाहिए. इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या होता है,
कि प्रॉपर उसको अच्छे से रेमोनरेशन मिल जाए, मतलब सैलरीज अच्छी हो और मतलब प्रमोशन हो जाए। यही तो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है मोटिव, कि जो गोल है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है, जो गोल है वो प्रॉपर अचीव हो जाए विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में। अब जब इंडिविजुअल को अच्छी से सैलरी मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेगा, जब वो अच्छे से काम करेगा तो अपना भी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो दैट्स मीन कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेवेंथ आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स यर दैट कि एवरी एम्प्लॉय, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो मेन मोटिव तो हमारा रेम्यूनरेशन मीन्स यर सैलरी वेजेस, यही तो होता है, सैलरी अच्छी मिलेगी एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो सिंपली रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन कि दैट्स मीन ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव फेयर रेम्यूनरेशन टू ईच एंड एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिफिकेशन। एट्थ आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन योर सिंपल पावर को एक हैंड पे करना, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डिसीजन लेने की पावर आपकी सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स पे, मतलब कि सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं आपके, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स यर हर एक बॉटम लेवल मिडिल लेवल जितने हैं वहाँ सबको क्या है, मतलब कि सबके पास पावर है टू टेक डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन। तो एज अकॉर्डिंग टू दी फ्यूल्स, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। रीज़न, अगर सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी लेवल में काम सब अपने मन से करने आएंगे, सब अपनी तरह से डिसीजन लेने लग जाएंगे, ठीक है। अगर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ टॉप लेवल वाले क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, बाकी जो बॉटम लेवल में वो बस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नाइन्थ आता है आपका स्किलर चेन। स्किलर चेन मीन्स कि देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की को ही फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपका स्कूल में ही होता है, कोई कंप्लेंट होती है बच्चे की, ठीक है, तो बच्चा डायरेक्ट जाके कभी मैनेजर सर या प्रिंसिपल सर से नहीं बोलता है, ठीक है, वो पहले क्या जाएगा, क्लास में टीचर को बोलेगा। टीचर क्या करती है, मतलब सब्जेक्ट टीचर को बोलेगा, अगर वो कंप्लेंट करे सब्जेक्ट टीचर क्या करती है, क्लास टीचर को, क्लास टीचर देन गो टू प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम देन गो टू मैनेजर। तो क्या है, हायरार्की में काम हो रहा ना आपका, कि प्रॉपर पहले बच्चे ने क्या करा, सब्जेक्ट टीचर को बताया, सब्जेक्ट टीचर। तो ये स्किल ऑफ चेन, मतलब कि आपका जो फ्यूल है वो ये कहता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन जाती है दैट शुड फॉलो अ प्रॉपर हायरार्की, वो एक हायरार्की में फॉलो अप होनी चाहिए। फिर आता है आपका ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स दैट कि हर एक काम आपका प्रॉपर तरह से होना चाहिए, दैट्स मीन कि हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग होना चाहिए। कोई काम करे तो उसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ताकि क्या आपकी हौच-पौच ना हो, कोई काम में दिक्कत ना हो, डिफ़िकल्टीज फाइंड ना हो आप लोगों को कि ये सामान कहाँ है, इसका डिपार्टमेंट कहाँ है। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन दैट कि एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, या जैसे एग्जांपल आपका कुछ सामान है, पैकेजिंग का सामान है, तो पैकेजिंग का सामान आपका कोई एक प्रॉपर स्टोर रूम होना चाहिए, वहीं आप क्या कर सकते हो उसको, पैकेजिंग के सामान एक प्रॉपर प्लेस हो गया, दैट्स मीन। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मीन्स दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि एक ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय है, हमने उसको एक महीने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कराया, फिर उसको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज दिया, फिर हमने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट भेज दिया, मतलब कि एक जो एम्प्लॉय होता है उसको एक उसका टाइम पीरियड होता है, मतलब टाइम पीरियड मतलब कि उसको कुछ टाइम तक एक ही जगह स्टेबल रखे ताकि वो उस काम में क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, देन उसके बाद तुम्हें उसको जहाँ भी ट्रांसफ़र करना है उसका कर सकते हो। बट एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक जगह मतलब 6-7 महीने रख दो उसको, उसको जब उस काम में परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसका क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट चेंज कर दो, ठीक है। तो ये फ्यूल्स के प्रिंसिपल है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए कोई भी एम्प्लॉय के वर्क में। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब कोई भी कदम उठाना, आगे बढ़ना, ठीक है, डिसीजन लेना रिगार्डिंग। तो प्रिंस हेनरी फ्यूल सेज दैट कि हर एक एम्प्लॉय के पास राइट्स होने चाहिए, या फिर किसी मतलब कि
ऐसे नहीं कोई एम्प्लॉयज़ है अपनी बात को बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉयज़ के पास क्या होनी चाहिए, राइट्स होनी चाहिए कि कुछ भी डिसीजन लो, कुछ भी अपनी बात रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक एम्प्लॉय का आईक्यू लेवल अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है, और कोई कितना एक्टिव होता है, सब डिफर करता है। तो हर एक एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव, मतलब सजेशन देने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये काम ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट आता है स्पिरिट द क्रॉप। स्पिरिट द क्रॉप्स मीन कि साथ में काम करना, मिलजुल कर काम करना। हर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अकेले काम हो ही नहीं सकता। रीज़न इज़ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो अपना आप ही काम क्या हो जाएगा, आपका साथ में हो जाएगा। दीज आर दी 14 प्रिंसिपल गिवन बाय दी हेनरी फ्योर एंड दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।